you guys. This is Khurram Khan from the Potter Snooker Lounge. आज मैं अपना first lesson on YouTube के लिए बना रहा हूँ, जो कि मेरे जितने भी भाई हैं जो दूर बैठे हुए हैं और वो यहाँ सीखने के लिए नहीं आ सकते, तो उनके लिए इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें मैं कुछ बेसिक्स इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, जो कि मैं चाहता हूँ कि आपकी बेसिक्स डेवलप हों फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे, तो ये काफ़ी बेहतर होगा। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं उनके स्टांस को आपको दिखाते हुए कि किस तरह से स्टांस बनाना चाहिए और क्या स्टांस की परफेक्शन है, तो इंशाल्लाह होपफुली आप काफ़ी कुछ लर्न करेंगे मेरे साथ। अभी मेरा साथ देंगे मोहम्मद सलीम है डिडियाल से, आज़ाद कश्मीर से। आए सलीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत? ये जी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं माशाल्लाह, बड़ा इनका नाम है और अच्छा खेलते हैं ये। यहाँ पे मेरे पास ट्रेनिंग लेने हुए आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज थर्ड वीक है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है इनकी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं होपफुली थी कि ये अच्छे टाइटल भी जीतेंगे और पाकिस्तान के लिए नेशनल में जल्दी क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। आज हम बेसिकली आपके लिए कुछ बेसिक्स मैं बताना चाहता हूँ। ये तो माशाल्लाह इनका कैलिबर बेसिक से बहुत ऊपर है, लेकिन बेसिक्स जो मैं बताऊँगा उसमें ये हमारी हेल्प करेंगे स्टांस, क्योंकि मैं बना के आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से एक परफेक्ट स्टांस होता है, तो इंशाल्लाह देखते हैं। अभी इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खड़े होने का पता हो, आपको लाइन ऑफ एम का पता हो, जो कि शॉट की एक लाइन होती है। सेकेंडली इसमें फोर पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है ये एक स्टिक है जिससे हम अपनी गेम को खेलते हैं, और स्नूकर में आपका अपना पर्सनल क्यू होना एक अच्छी बात है अगर आप फोर्ड करते हैं तो। फर्स्ट जो फोर पॉइंट्स में एक पॉइंट है वो ये कि आपकी स्टिक आपने अपने राइट हैंड में होल्ड करनी है, और एज नॉर्मल आपने इसको टेबल से उठाना है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ये आपका एक पहला पॉइंट है कि आप अपनी स्टिक को अपने हाथ में होल्ड करते हैं। और फोर पॉइंट्स में सेकंड पॉइंट है कि आपकी ये जो स्टिक है, जब आप अपने स्टांस पे खड़े होते हैं तो ये आपकी चेस्ट के साथ भी लगनी चाहिए, और थर्ड पॉइंट है कि ये स्टिक आपकी चिन के साथ भी लगनी चाहिए, एंड फोर्थ पॉइंट जो आपका लेफ्ट हैंड जो आपका ब्रिज है, जब ये टेबल के ऊपर आता है तो ये आपकी इस ब्रिज के ऊपर भी अटैच होनी चाहिए एंड सॉलिड अटैच होनी चाहिए। मैं आपको ये फोर पॉइंट्स अभी करके दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया था कि लाइन ऑफ एम जो शॉट की है, लाइन ऑफ एम बेसिकली होती है आपकी अपनी राइट टांग आपकी लाइन में होनी चाहिए, जो बॉल की और पॉकेट की शॉट की जो लाइन है वो आपकी राइट टांग स्ट्रेट उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर आप इजी वे में जाना चाहते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लाइन ऑफ एम जो हमारी राइट टांग है, आप अपने राइट टांग जो आपका नी है, जो आपका घुटना है, उसके स्ट्रेट बिल्कुल अपनी क्यू स्ट्रेट आप रख सकते हैं अपनी शॉट पर, जो कि लाइन ऑफ एम है। जैसे ही हम अपनी शॉट के ऊपर आते हैं तो सेकेंडली आपकी स्टिक जो है वो आपकी चेस्ट पे टच होनी चाहिए, एंड थर्ड आपकी चिन। ठीक है, आपकी शॉट के ऊपर आ रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर पॉइंट्स हैं जो आपके टच होने मस्ट हैं। इससे काफ़ी बेहतर व्यू भी आपको मिलता है, जो कि आप स्ट्रेट अपनी लाइन भी देख सकते हैं कि बॉल को पॉकेट की तरफ आपने भेजना है। तो मैं एक दफ़ा दोबारा फिर लाइन ऑफ एम देखूंगा और अपने स्टांस में आऊंगा। जैसा कि अभी आपको मैंने लाइन ऑफ एम का बताया और फोर पॉइंट्स बॉडी टच का बताया, अब मैं ये एक्सपेरिमेंट करूंगा। सलीम, मोहम्मद सलीम अभी हमारे साथ हैं, वो आएंगे, उनका स्टांस प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह आई विल शो यू।
कि किस तरह से एक प्रॉपर स्टांस होना चाहिए। जैसे कि मैं खेल रहा था, आपने शायद मेरी एल्बो भी देखी होगी, मेरी चिन भी देखी होगी, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट स्टांस है। लेकिन अभी सलीम भाई आएंगे, उनका भी आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपके लिए समझने में और ज़्यादा आसानी होगी इंशाल्लाह। सलीम भाई आएँ, आप प्लीज़ अपने स्टांस में आएँ। सबसे पहले आप अपने लाइन ऑफ एम में आएँ, आपका ये राइट पाँव बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इनकी एल्बो और क्यू और इनकी चिन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये एक बहुत ही गुड साइन है एक प्लेयर के लिए कि उनकी क्यूइंग इतनी बेहतर हो रही है। इनका हाथ देखें आप, ये कितना अच्छा बिछा हुआ है, यहाँ पे सॉलिड ब्रिज है इनका, काफ़ी बेहतर, बहुत बेहतर है, बल्कि काफ़ी अच्छी क्यूइंग है इनकी, और हाथ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा। और अभी मैं आपको इनके लेफ्ट हैंड साइड से इनके टांगों का जो खड़े होने का एक प्रॉपर तरीका है वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा कि खड़े होने का तरीका और उसका डिस्टेंस। वेल, अपने सांस में आए। जी, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं अभी आपको राइट साइड पे लेके आता हूँ इनके, ताकि आप इनकी क्यूइंग भी देख सकें कि ये कितनी क्यूइंग करते हैं, ये एल्बो ये कितनी खुलनी चाहिए, ये जो हाथ का ये एल्बो का हिस्सा है ये कितना ज़्यादा क्यूइंग में बाहर आना चाहिए। ये मैक्सिमम अगर आप 6-7 इंच में खेलें तो इट मच ईजियर एंड आपके पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी गेम जल्द से जल्द इम्प्रूव होगी। सेकेंडली, आप इनकी अपने सांस पर सलीम भाई, सेकेंडली जो इनका ये थाई वाला हिस्सा है ये इनका स्ट्रेट, घुटना इनका बिल्कुल स्ट्रेट है, पाँव काफ़ी इनका सीधा अच्छा है। लेफ्ट जो इनका फुट है, इस फुट से इसका तकरीबन 12 से 14 इंच का गैप है, ये 12 से 14 इंच का गैप इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्टांस है। आप पूरा प्रॉपर तरीके से झुके हों, ये वाला बाजू आपका बिल्कुल टेबल के ऊपर बिछा हो और काफ़ी बेहतर, काफ़ी बेहतर आप अपनी गेम को कर सकते हैं अगर आप अपना इस तरह का स्टांस करें। और आपको अपने स्टांस को बिछाना चाहिए, टेबल के ऊपर बिछना चाहिए आपको। ये मेरा फर्स्ट लेसन है जिसमें मैं आपको जस्ट स्टांस के और क्यूइंग के और कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेसन होगा उसमें मैं आपको हिट के बारे में बताऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। इसलिए भाई अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। खुर्रम भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम शॉट खेलते हैं तो इसमें हमें अपना सांस रोक लेना चाहिए या मतलब लेना चाहिए, इसके बारे में क्या? जी बिल्कुल, इसमें प्रोफेशनल से करते हैं क्योंकि आप आपकी शॉट का मैक्सिमम टाइम होता है फॉर फ्यू सेकंड्स, ठीक है। आप 3 फैदरिंग करते हैं या मैक्सिमम आप 4 फैदरिंग करते हैं और उसके बाद आप पोज करते हैं, शॉट खेलते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर आप अपने ब्रीथ को होल्ड करें तो वो बहुत बेहतर है और प्रोफेशनल्स करते हैं। जितना ज़्यादा आप स्टिल रहेंगे उतना ही बेहतर शॉट आप खेल सकेंगे और इंशाल्लाह उसके मिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ज़्यादातर आप अगर अपने सांस को रोकने से मुराद यही है कि जस्ट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स, इससे ज़्यादा आपने नहीं रोकना। लेकिन जी, तो ये जो ब्रीथ है ये डेफिनेटली सलीम भाई होल्ड करना चाहिए, इससे ये होता है कि आपका फोकस ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अभी हम इस बारे में आएंगे, आपका जो सवाल है इसका डेफिनेटली मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा और आपको ये मैं ऑब्वियसली जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसमें आप ये सीख भी रहे हैं ये चीज़, और ये आपके लिए इंशाल्लाह बेहतर भी होगा। गाइस, होपफुली यू लर्न समथिंग और इंशाल्लाह मेरे जो नेक्स्ट लेसन होंगे उसमें आप और भी बेहतर सीखेंगे और काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरा एक ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान में प्रो प्लेयर्स निकालूँ और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए मेरा एक प्रॉपर कोचिंग प्रोग्राम है। इंशाल्लाह आप वो मेरी दी पॉटर स्नूकर लाउंज के पेज पे प्रॉपर उसकी सारी डिटेल्स हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। 8 से 13 साल के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग है, अगर आप आ सकते हैं तो डेफिनेटली आप आएँ और आप आके कोचिंग लें, सीखें। उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा आपने पे नहीं करना, ना टेबल मनी ना कोचिंग के लिए। तो डेफिनेटली आप आएँ, सीखें, और ये बहुत ही फैशनेबल गेम है और आपको सीखनी चाहिए। और इंशाल्लाह मेरे से जितनी भी हेल्प होगी मैं डेफिनेटली करूँगा और अपनी मैक्सिमम आप लोगों को दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाइयों को ये मेरी एफर्ट पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द पॉटर स्नूकर लाउंज ऑन यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।